नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से किशोर न्याय अधिनियम एवं पास्को एक्ट के बारे में मीडिया और पुलिस कर्मियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मीडिया कर्मियों को कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरह से एक नाबालिग बच्ची का चेहरा ब्लर करके दिखाया जाना चाहिए ताकि समाज में उस बच्ची की लाइफ पर किसी तरह का असर न पड़े। वहीं पर पुलिस वालों को किस तरह से नाबालिग बच्चों को प्रोटेक्शन में लेने के लिए क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इन सब को लेकर जिला बाल संरक्षण इकाई, लीगल एडवोकेट, वुमेन सेल और महिला थाने के DSP ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जिला संरक्षण बाल इकाई की ओर से रखा गया ये कार्यक्रम लगभग 2 घंटे तक चला, जिसमें महिला थाना वुमेन सेल के DSP और लीगल एडवोकेट और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आए जर्नलिज्म के प्रोफेसर ने मीडिया और पुलिस कर्मियों को पास्को एक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस को नाबालिग बच्ची मिलती है तो सबसे पहले अपनी सिविल ड्रेस में जाकर उससे पूछताछ करें। वहीं पर पूछताछ के दौरान सख्ती से पूछताछ करने की बजाय प्यार से पूछताछ करें ताकि बच्ची किसी भी तरह से हर्ट ना हो। वहीं पर मीडिया के कर्मियों को भी बताया गया कि जब वो भी अपनी खबर चलाएं तो नाबालिग बच्ची का चेहरा ब्लर कर दें ताकि समाज में उसकी किसी तरह की बदनामी ना हो, जिसको लेकर वो समाज में इज्जत से जी सके। उन्होंने कहा कि कई बार मीडिया में नाबालिग बच्चों की पूरी फोटो या वीडियो को दिखाया जाता है, जो कि एक कानून अपराध भी है। उन्होंने बताया कि पत्रकार को भी कानून से बाहर जाकर अपनी खबर नहीं दिखानी चाहिए। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। की क्या भूमिका रहती है, इस पक्ष पर मैं बात रखूंगा। मेरा अनुरोध रहेगा कि जो है स्लाइड चेंज करने के लिए साथी कोई थोड़ा सहयोग करें। जी, हाँ ठीक। हाँ जी, मैं इसमें पहले मैं इस विषय को आरंभ करते हुए मैं बात जो बेसिक परिभाषा जो बेसिक डेफिनेशन है लिटरेट होने की, लिखना और पढ़ने की योग्यता, अब वो किसी को लिटरेट कहलाने के लिए काफी नहीं है। पूरा संसार इस बात पर सहमत हो चुका है कि आज मीडिया लिटरेट व्यक्ति लिटरेट है, जिसको लिखना और पढ़ना आता है वो लिटरेट नहीं है। ये ऐसी एक यह प्राच है जिसने पूरे संसार में लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। सौभाग्य से मैं इस विषय से करीब 10-11 साल पहले जुड़ गया था। मुझे अवसर अच्छा मिला, यूरोप में मैं 2 बार इस पर अपना रिसर्च प्रेजेंट करके आया हूँ। यूनेस्को ने मुझे अपनी कॉन्फ्रेंस में इवेल्युएटर अपॉइंट किया था 2018 में, और वो अच्छा अवसर था कि मैंने भारतीय ग्रंथों से आप ये ना हो कि आपने बच्चे को तो पकड़ लिया और आपने उनके घर में सूचना नहीं दी। अगर आप गांव में रहते हैं वो बच्चा, तो आपने उनके सरपंच को ही सूचना देनी है कि बच्चे ने यह प्राप्त किया है। अगर आप ये नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो मिसिंग रिपोर्ट लिखा दे कि हमारा बच्चा इतने दिनों से मिसिंग है। दूसरी तरफ भी चल रही हूँ मैं, अगर वो मिसिंग रिपोर्ट लिखा देंगे तो हमारी दूसरी कार्रवाई भी बढ़ जाती है। इसीलिए अधिकार यानी कि जो मेन आईओ है उसको भी सूचित किया जाता है कि बालक को पकड़ा गया है और वह बालक सामाजिक दृष्टिभूमि उसकी तैयार करेगा। जैसे ही इस बच्चे को पकड़ा जाएगा हम देखते हैं चालान की जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है कि किस टाइम से उसको पकड़ा गया है, उसके साथ उसके बाद क्या क्या हुआ है। अगर उस बच्चे को उस समय मेडिकल एड की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है या किसी भी तरह की जरूरत है कि उसको समझाया जाए कि पुलिस ने पकड़ा है, और जब भी बच्चे को पकड़ेगी पुलिस तो वो सिविल ड्रेस में होगी। सबसे मेन बात है ये, अगर उसको न्यायालय में लेके जा रहा है वहां पर भी सिविल ड्रेस में ही होगी। उसके बाद दूसरा कार्य जो है पुलिस का, CWC को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपने बच्चे को पकड़ लिया, किस ऑफेंस में पकड़ा है। और वहां पर जो यूनिट होगी पूरी बैठी होगी, ये नहीं कि एक बंदा बैठा है, यूनिट के कम से कम 5 सदस्य होते हैं, 4 मेंबर और एक डायरेक्टर, सबका होना जरूरी है। और पुलिस तब तक उसके साथ सिविल ड्रेस में काम करेगी जब तक उसकी पूरी कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती। केस तीसरी बात ये आती है, अगर उसने ऑफेंस कर दिया उसके आपने ट्रीट कैसे करना उसको चाहिए। एज एन अ फैमिली फ्रेंड उसको आपने ये नहीं कहना कि आपने अपराध कर दिया है, आपने उसको डराना नहीं है, धमकाना नहीं, आपने उसे पूरी बात पूछनी है कि उसने क्यों किया, उसका क्या कारण था। जैसे कि टॉक्सो एक्ट के अंदर एक बच्ची आ जाती है कि हमारे साथ शोषण हो गया है, कई बार हम प्यार से बातें करते हैं, कई बार हम गुस्से से बातें करते हैं, हमने उसको डराना नहीं है, उससे सारी बात प्यार से पूछो। और कौन पूछेगा टॉक्सो एक्ट के अंदर
अगर 18 साल से कम आयु की बच्ची के साथ या 12 साल से कम आयु की बच्ची के साथ हुआ है, उसके लिए ASI ऑफिसर स्पेशल पावर है, सिर्फ वही और प्रेजेंस ऑफ द मदर एंड फादर, अदरवाइज अगर पेरेंट्स नहीं है उसके, ऐसा व्यक्ति जिसको वो बहुत अपना नियरेस्ट मानता हूँ, स्पेशल प्रोविजन है इसके अंदर। और बच्ची के कहीं पे साइन नहीं लिए जाएंगे, ना JDB एक्ट में ना पॉक्सो एक्ट के। अगर बच्ची हमें स्टेटमेंट दे रही है ASI ऑफिसर को, तो बच्ची के नाम से कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी, पहली बार उनके पेरेंट्स के नाम से होगी। सूचना बच्ची ने दी है, सारे पास बच्ची ने बताई है, पेरेंट्स के नाम से होगी, क्योंकि JDB एक्ट यही कहता है। अभी थोड़े दिन पहले हुआ है एक ऐसा, आती है कि आप उसकी एज प्रूफ कैसे बच्चे की करेंगे। कईयों के पास जन्म प्रमाण पत्र होते हैं, कईयों के पास आधार कार्ड होते हैं। अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नहीं है तो तीसरा रीजन क्या रहेगा? बच्चा पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास कहीं से तो पढ़ा होगा, वहां से आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं। सरपंच अगर गाँव का है तो चौकीदार एंट्री करता है जब बच्चे की जन्म होता है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, तब हम उसकी एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे की एज ये है। और चौथी बात आती है मिसिंग बच्चे, जो भीख मांगते हैं, हमें रास्ते में कहीं मिलते हैं, हम उनको क्या करते हैं, सेल में भेज देते हैं, बालकों भेज दिया, मैं गई, मेरा बच्चा है, आपने हैंड ओवर कर दिया। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ऐसे हैंड ओवर मत करें, उस बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई मौजूद व्यक्ति, पंच सरपंच अगर गांव का है, अगर शहर का तो MC, वो उनकी आइडेंटिटी लेके आए, उनको हैंड ओवर किया जाए। ये पुलिस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे हमें बाहर भीख मांगते हुए नजर आते हैं और उनके साथ मदर फादर साथ में ही होते हैं, कहते हम इनके पेरेंट्स हैं। नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी दिखाओ पहले। अगर हमें ये लगता है कि इनके पास ये नहीं है कुछ भी, हम उसका DNA करा सकते हैं, बच्चे का भी और उस पेरेंट्स का भी, स्पेशल उनके पास पावर है CWC के। देखिए आज हमारे उपायुक्त महोदय यमुनानगर और जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम यमुनानगर की देखरेख में, मार्गदर्शन में, आज ये जो एक दिवसीय वर्कशॉप जो हमने अपने जो मीडिया के, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे साथी हैं, उनके लिए हमने ये वर्कशॉप रखी थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो धाराएँ हैं जो मीडिया से संबंधित हैं उनके बारे में अवेयर किया गया। इसके साथ साथ हमारी जो इस वर्कशॉप में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी उपस्थित रहे, जो अलग अलग थानों में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर लगाए हुए हैं, उनके क्या रोल्स हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके दायित्वों के बारे में अच्छे से बताया गया। और मीडिया का हमें हमेशा से अच्छा सहयोग रहा है जिला यमुनानगर में, और हम आगे भी आशा करते हैं कि इस वर्कशॉप के बाद जो भी प्रोविजन्स हमने नए बताए हैं, जो धाराएँ नहीं बताई हैं, बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में जिला यमुनानगर बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, हमारे जो हेडक्वार्टर है उसके मार्गदर्शन में हम बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। पॉक्सो एक्ट को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, और मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो जिसके माध्यम से हम ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करते हैं कि पॉक्सो एक ऐसा कानून है कि अगर कोई पीड़ित बच्चा है तो उसकी सहायता के लिए ये कानून बनाया गया है। इसमें मेडिकल सुविधा, फ्री लीगल एड और अन्य जो प्रोविजन्स हैं बहुत ही अच्छे प्रोविजन्स हैं। और मीडिया से भी मेरा अनुरोध है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि पॉक्सो एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने में आप हमारी मदद करें। बिल्कुल, आप लोगों के सहयोग से हम अभी तक काफ़ी स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे वो चाइल्डलाइन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड काउंसिल है, उनके माध्यम के साथ उनके साथ जुड़कर हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते आए हैं, और आने वाले समय में भी हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एक्ट के बारे में जानकारी मिल सके।